आपसी रंजिश के चलते बदला लेने का इंतजार कर रहे बदमाशों ने इन दो युवकों को भरे बाजार में गोली मार दी, जिससे दोनों की मौत हो गई। पूरा मामला रेवाड़ी के कोसली का है, जहां दोस्तों के लिए मिठाइयां लेने के लिए 24 वर्षीय यशदेव उर्फ ईशु और 25 वर्षीय अक्षय उर्फ बादशाह अपनी गाड़ी से बाजार गए थे। जैसे ही दोनों रेलवे स्टेशन के पास पहुंचे, करीब 3 से 4 बदमाशों ने उन पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। जब तक दोनों कुछ समझ पाते, बचने की कोशिश करते, बदमाश भीड़ का फायदा उठाकर फरार हो गए। बदमाशों ने करीब 6 राउंड फायरिंग की थी। इस दौरान 4 गोलियां शीशे को चीरती हुई दोनों की पीठ और गर्दन में जा लगी, जबकि 2 गोलियां गाड़ी की पीछे वाली साइड में लगी। परिजनों की माने तो बदमाशों की तरफ से पहले ही धमकी दी गई थी और यही वजह है कि दोनों को घर से बाहर ना जाने की भी हिदायत दी गई थी। तो मार पिटाई होती पहले ही, मार पिटाई से इन्होंने फिर धमकी धमकी दे दी थी। बोले भैया इन्हें फायर किए थे 2 महीने पहले भी, जब बच गया था ये। अच्छा। अभी ये फरार थे, अभी 4 पकड़े गए थे। एक मेन है इनका प्रवीण पंगाल जी, जो एक पहले भी मोस्ट वांटेड था, वो पुलिस ने उसको वही नाम भी रख रखी थी। और अभी वो हफ्ते पहले अरेस्ट हुए थे सीआरए, और जो बाहर है पहले भी इसके फादर ने धमकी दी थी भाई जिंदा तो हम छोड़ेंगे दिवाली तक। अच्छा। तो आज त्यौहार था भाई जी, इसको मना कर रहे थे हम, भाई तू बाहर मत जा, तू आराम से अपने घर बैठ। ये सामान लेने के लिए बोला, मिठाई भी ढूंढ लिया, मिठाई यार दोस्तों बांटा रिश्तेदारों में भी, बस ये उन्होंने काम कर दिया। दिन दहाड़े हुई फायरिंग से बाजार में भगदड़ मच गई थी। दोनों घायलों को रेवाड़ी के नागरिक अस्पताल में लाया गया, जहां डॉक्टरों ने चेकअप करने के बाद दोनों को मृत घोषित कर दिया। आरोपियों की पहचान के लिए पुलिस बाजार में लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है। आपसी रंजिश का मामला है, 2 ग्रुप है भाकली में, तो दोनों ग्रुपों में आपस में दो मुकदमे पहले दर्ज हो रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ, और उसी से संबंधित लग रहा है भाई। उसी रंजिश में इन्होंने फायरिंग की है। 2 लड़के एक्सपायर हो गए, ईशु और बादशाह। रहने वाले थे ये भाग दोनों, मारने वाले का अभी देख रहे हैं हम, सीसीटीवी कैमरे वगैरह दूसरी टीम लगा रखी है। अगर कंप्लेंट मिली नहीं है, अभी कंप्लेंट मिल जाएगी, अगर बाई नेम उसमें आता है तो ठीक है, वरना सीसीटीवी की फुटेज चेक करा रहे, जैसा भी नाम आएगा। फायरिंग की है, कितने लोगों ने की है फायरिंग? मौके पे तो हमारे आदमी लग रहे हैं, उन्होंने बताया भाई 3 आदमी भागते हुए देखे। अच्छा। कैमरों में भी 3 आदमी दिखाई दिए हैं भागते हुए। मृतकों को कहाँ लगी गोली? मृतकों को ईशु को तो देने पसली में और देने कंधे में लगी, और बादशाह है इसको कनपट्टी में लगी, यहाँ से गर्दन से निकली है। बाकी 2 फायर के निशान अगले शीशे पे हैं गाड़ी के, भी गाड़ी में बैठे थे, एक पिछले खिड़की पे है निशान गोली चलने का, सुराख हो रहे हैं। बाजार में ही? हाँ, बाजार मार्केट के पिछवाड़ा पड़ता है, खुली वो है झुग्गी टाइप सी जगह है, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड कोसली के बीच। पुलिस के मुताबिक पूरा मामला 2 गुटों की आपसी रंजिश से जुड़ा है। दोनों ही तरफ से पहले भी एक दूसरे के खिलाफ मुकदमे दर्ज कराए जा चुके हैं। इस वारदात के बाद पुलिस की कई टीमों का गठन किया गया है, जो आरोपियों की धरपकड़ में जुट गई है। रेवाड़ी से महेंद्र भारती, पंजाब केसरी टीम। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।